29 मार्च 2019 को बर्नपुर हाउस के सम्मेलन कक्ष में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 122वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता महाप्रबंधक कार्मिक व प्रशासन श्री के वी आर राजू ने की। अध्यक्ष महोदय के अलावा इस बैठक में कुल 27 प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रारंभ में पिछली बैठक के कार्यवृत्त एवं लिए गए निर्णयों पर हुई अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा हुई, जिसकी उपस्थित सदस्यों द्वारा पुष्टि की गई। तत्पश्चात 31 दिसंबर 2018 को समाप्त हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। हिंदी पत्राचार के मामले में विगत तिमाही की तुलना में विवेच्य तिमाही में चिकित्सा विभाग, कार्मिक व प्रशासन विभाग, सतर्कता विभाग एवं सामग्री प्रबंधन विभाग के पत्राचार में वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संयंत्र के विभाग व अनुभाग के कार्मिकों जो हिंदी में कविता एवं कहानी लिखने में रुचि रखते हैं, उन्हें संग्रह कर एक संपादकीय समिति बनाई जाए। महाप्रबंधक स्वचालन श्री संजीव कुमार ने सुझाव दिया कि राजभाषा विभाग की एक ई पत्रिका प्रत्येक तिमाही में प्रकाशित की जाए, जिसके पृष्ठों की संख्या लगभग 16 हो, और पुस्तक के रूप में सालाना प्रकाशित की जाए, जिसके पृष्ठ की संख्या लगभग 50 हो। सहायक प्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री विश्वजीत आनंद ने बताया कि जुलाई महीने में चालू होने वाले ईआरपी अनुभाग से हिंदी के कार्यों में बढ़ोतरी होगी। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की ओर से बड़े स्तर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन करने का अनुरोध किया गया। अंत में अध्यक्ष महोदय ने अपनी ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उप महाप्रबंधक कार्मिक संघ कार्य श्री एम श्याम सिंह के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से बैठक में विराम लगा।